नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ निकिता और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं दो तरीके से स्ट्रॉबेरी क्रश। पहला बिल्कुल प्लेन सिंपल सोडा ड्रिंक है। इसके लिए मैंने एक ग्लास में नींबू का जूस लिया है और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स 4 से 5, सो दैट हमारा जो सोडा बन रहा है वो काफ़ी ठंडा और चिल्ड रहे, तभी तो मज़ा आएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ब्लू कुरासाओ सिरप। ये सिरप बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्लेन सोडा। यहाँ पे मैंने ब्लू कुरासाओ सिरप 3 चम्मच यूज़ किया है और उसके बाद इस ग्लास को हम पूरा फिल कर देंगे प्लेन सोडा से। आप चाहें तो स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे प्लेन सोडा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ सिरप जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्वीट है तो मैं ज़्यादा स्वीट नहीं लेना चाहती। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओशन जैसा कलर आ गया, बड़ा प्यारा कलर आ गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश अभी फ्लडेड है बाज़ार में, आप जाओ किसी भी ग्रॉसरी शॉप में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे ऊपर से कुछ इस तरीके से डाल दीजिए और एक स्ट्रॉ की मदद से हल्का सा मिक्स कीजिए, बहुत ज़ोर से मिक्स मत कीजिए, बहुत ही हल्का सा कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कुछ ही देर में, लाइक 30 to 40 seconds के अंदर ही ये जो नीचे स्ट्रॉबेरी क्रश और ऊपर ब्लू कुरासाओ सिरप है वो दोनों ही कलर कंबाइन कर रहे हैं और हमारा कलर चेंजिंग मॉकटेल टाइप का कुछ ड्रिंक घर में 2 मिनट में तैयार हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत डिलीशियस भी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर, जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी क्रश मिल्क शेक। ये भी बहुत डिलीशियस बनता है, तो इसके लिए आप नॉर्मल घर का मिक्सिंग जार ले लीजिए और इसमें डालिए 1 ग्लास ठंडा मिल्क। याद रहे मिल्क चिल्ड होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। अगेन मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉबेरी क्रश आपके लोकल स्टोर पे अवेलेबल है, जाइए और ख़रीद लीजिए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे शुगर यानी पीसी हुई चीनी। आप चीनी गोटा भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि गोटा चीनी नीचे बैठ जाए और वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राइंडेड शुगर यूज़ कर रही हूँ। उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस ग्लास में हम पोर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ग्लास को पूरा फिल ना करें, थोड़ा ही फिल करें क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं आइसक्रीम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वैनिला आइसक्रीम कुछ इस तरीके से। एंड यू नो मिल्क शेक प्लस वैनिला आइसक्रीम इज़ डेडली कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा कोई ड्रिंक आपको मिल जाए तो आप इसे पूरा पी जाओगे और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। ये भी 2 मिनट में बनके तैयार हो गया। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए मैं ऊपर से ब्लू कुरासाओ सिरप डाल रही हूँ जो इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक बना दे। पिंक एंड ब्लू काफ़ी अच्छा कलर होता है तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डाल दिया। और ये बन के बिल्कुल ही तैयार है। इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए और इसके बाद आप स्ट्रॉ डाल दीजिए और हमारा 2 अमेजिंग स्ट्रॉबेरी क्रश ड्रिंक बन के तैयार है। इसे बनाने में बस 2 मिनट ही लगा है, 2-2 मिनट 4 मिनट में हमने ये 2 ड्रिंक बना के तैयार कर दिया। गाइस अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, अमेजिंग रेसिपीज़ है। बाय बाय।